से बोलो राजा रामचंद्र की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बालकांड में बढ़िया सुंदर भक्ति के कथा निकाले हैं। वैसे किथे किथे का प्रथम कांड है बाल रसीला
और जन्म विवाह राम के लीला। ये बालकांड है जन्म और विवाह की कथा। अब कई जन की देते, मैं अभी दुरुपति मंच में रह हूं, बालकांड है जन्म और विवाह कथा है महाराज। लंका कांड में लड़ी झगड़ा है तो वो झगड़ा कथा है का की। तो मैं क्यों सातों कांड खोल के देख लो। रामचरितमानस रामायण में सिर्फ भक्ति और राम के ही कथा निकले। लंका कांड में भले हमले युद्ध के देखे बर मिलते, तो युद्ध काकर हो तो धर्म व धर्म के बीच हो। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज अभी बालकांड, तो बालकांड में भगवान रामचंद्र जी के वन गमन हो चुके हैं। अच्छा मैं एक तो चीज चर्चा करता हूं, जिन राम के नाम ले से हमर आत्मा तृप्ति हो जाते हैं, हमन सुख पाथन निकितेगा। सियान मन के मुख से सुने ल मिलते, एक बार राम की के देख हमर बढ़िया सुंदर से हमर जिन जीव है तिन तर्ज ही की थी। तो सोच के देखो, जिन राम के नाम ले से हम नतकस सुखगर से भवसागर से पार हो जतन, तो वो राम अयोध्या पुरी छोड़ के की सोहित अयोध्या पुरवासी मन के काय स्थिति रही। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बालकांड में दोहा नंबर 99 में बताते कि कैसे सुमंत जी महाराज भगवान राम ला मनावत है कि हे प्रभु, अरे कहीं भी करके चलो भाई, हमर संग में तो चलो। काबर जिन नाथ के साथ पूरा संसार सुख से राहत रही, आज वो नाथ हमर मन के साथ में नहीं है। ऐसे लागत है कि ये माटी की काया भर बांचे है, ये पंछी रूपी जिन आत्मा है तिन हाँ उड़ के चल रहे। अच्छा मन चाय पीथन का घर में एक आध दिन बिना शक्कर के चाय पी देखून कैसे लागत है। एक आध जन पिया थे भैया, सुगर वाला मन तो नहीं कहा, तेनो कहीं न कहीं वो मीठ डालते, आजकल अंग्रेजी में सुगर भरी आते जाने भैया, लेकिन मिठास चाहिए। तो सोचो कि जिन खाए पिए में हम मिठास खोजतन, तो जीवन में जिन मिठास भोले वही राम अयोध्या पुर छोड़ के चल दे, तो काय स्थिति हो गई हुई। तो भगवान तो राम लीला करे बराए। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा में बढ़िया सुंदर बताते कि फेका रथ हा के है राम तना हेरी हेरी नाई ओ रामा, रथ हा के है राम तना हेरी हेरी नाई ओ रामा, देखिन साध विसाध बसा तो नहीं शेष पछताई ओ रामा, देखिन साध विसाध बसा तो नहीं शेष पछताई ओ रामा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मैं बड़ बेरक देखा था ये बीच ला थोकन गेप छूटे है तेना आए जाए भर भर हरे धन वो पार के मन ताली हो जाए कारा बिल्कुल निमगा बंद कर दू तेकरो बच्चे थाक रख के लाए नो है ना। हाँ अब कई जन सोचत हो भाई ऊपर में बैठ के कहा थे मना अपन मन बढ़िया सुंदर पोगरा गद्दल पागे हमन खाले में बैठे चटाई में तो कतेक ला ताली पीटबो मार होते दाई वैसे कतेक ला ताली बजाबे सिरायक चीजता है ना। लेकिन एक तो बहुत सुंदर बात बता था ध्यान रखू, भले हमन ऊपर में बैठ गए हैं लेकिन बड़प्पन आप मन में है। तो काबर बड़प्पन आप मन में है, काबर के आप खाले में हो, आप मन झुके हो, तेकर नाम से आपके बड़प्पन हा हमें मंच में बैठे नोत के बेरल दिखत है। सार्थक करो, कलयुग में बिन सार्थक के कोनो नहीं माने। तराजू देखे हो, तराजू दाई तो तराजू में जब सामान डालते तो जेती बर वजन ज्यादा रहते तेन हा झुक जाते और जेती हल्कापन रहते तेन मन हा उठ जाते। तो वजनदारी आप मन में तेकरे नाम से आप झुके हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज निषाद महाराज, निषाद महाराज के पूरा राज पूरा दुखी हुआ थे कि भगवान राम हमला छोड़ के जाए। काबर ये जन्म ला कौन कहा है हमर मन के तो एक दिन के उपास आठे का नहीं निशा हुआ। निषाद महाराज तो पूरा एक जन्म लिया गो रहे कि भगवान की मैं सेवा करेल पाऊंगा। निषाद महाराज के दूसरे जन्म नो हैगा, पहले ये जन्म में तो लकड़हारा भील रही से
अच्छा सत्यनारायण के कथा कौन कौन सुनता दाई हो घर में? कोनोज नहीं सुना? अच्छा पाबंदी हो ही ना कथा सुने? कैसे एको जन हाथ नहीं डुलावा श्री सत्यनारायण के कथा? हाँ वो दाई भर सुनते। एक बार उमा तारी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ सत्यनारायण के कथा सुनू तो बढ़िया सुंदर लकड़हारा भील के कथा निकलते। लकड़ी काट काट के बढ़िया सुंदर जीवन यापन करते। एक दिन के अपन बनी रोजीला बढ़िया सुंदर कथम लगाते कि भगवान तोर सेवक मौका ऊ देवे। एक जन्म के सेवक मौका में हा ने मोर मन नहीं माड़त गा। दूसरिया जन्म में ऐसे सेवक मौका देवे कि साक्षात ते मोर करावा। तब दूसरिया जन्म में निषाद राज बने। देखो कतका सुंदर हमन चीज अहंकार चीज आते अहंकार आ जाते। यहाँ तो राजपाठ नहीं मांगे कि थे तोर सेवा भर के एक मौका दे भगवान। तो सोचो जिन एक जन्म पहली ले भगवान के दर्शन पाहूं कि वरदान मांगे है वही भगवान जब छोड़ के जाए तो उकर मन के का दशा रही। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सब बढ़िया सुंदर रथ में रथ हाकेल धली सब घोड़। अरे मनुष्य कौन का है भगवान के मुख ला देखते तो चिरई चुरगुन मन तक चाह चाहते। तो यहाँ तो घोड़ा तक अपन ही नहीं नहाए के चालू कर दी। देखो कतका सुखर मनमोहक घड़ी हुई। निषाद महाराज उदास हो के भगवान जिन प्रभु मोला छोड़ के अब चले। ऐसे बात नहीं कि आज के समय में हम भक्ति नहीं करें लेकिन आज के समय में हमारे पास समय नहीं। काकर लिए समय नहीं है तो धर्म के लिए समय नहीं कर्म के समय नहीं। लेकिन धन भाग मानते में आदर्श गांव छेरकापुर के जिन धर्म के मंच लगकर सुखर सजा तेकरे से तो सब संत मनि हाँ के ठन चीज के थे। ते पानी पानी सब कहे पर गंगा जल कुछ और है। पानी पानी सब कहे पर गंगा जल कुछ और है। और गांव गांव सब कहे आपके आदर्श गांव छेरकापुर गांव कुछ और है। छेरकापुर गांव कुछ और है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के बढ़िया सुंदर लीला के बढ़िया वर्णन करते। अच्छा एक ठनाओ सोचे वाला बात है भाई। मैं एकल पहली चीज मंच करे हूँ अभी सिलियारी में मंच में चढ़ के एक जन मोल पूछा थी इस बाजू से गौनी मान निषाद जयंती में गे रहे दाई। अब ओकरे कथा फिर निकले मोल महाराज भगवान ला राम राम एक कहते हैं डेढ़ घंटा दो घंटा हो गए बढ़िया सुंदर कथा सुनाए। फिर भगवान राम भगवान हरे तो वनवास कैसे पहुंच गए? अब मैं कह पूरा रामायण के दो ढाई घंटा कथा नहा के अब ते राम कोने नहीं जाने भैया तो वो वनवास काबर किस दिल में नहीं समझा सकूं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम वनवास गए तो काबर गए? दिन हीन के दया करे बर वो तो जन्म होते उसके पर लिखा थे ना दिन हीन के दया बढ़िया उपकार करे पर भगवान के जन्म हुए तब वनवास गए तो ओकर पर तो वनवास निकले हो जिन भूले है भटके है सब ले एकत्रित करे बर जिन पिछड़ा वर्ग के जिन दबे हुए है तिल उजागर करे बर संगठित करे बर ऋषि मुनि से बढ़िया सुंदर ज्ञान प्राप्त। अच्छा हाँ एम विडम्बना की ठनो बात है भगवान ज्ञान तक प्राप्त करे तक आवर प्राप्त करे है। तीन लोग चौदह भुवन चराचर जगत के स्वामी का रका चीज के कमी लेकिन वो तो नर लीला करे बर आए तेरे नाम से वह मनुष्य जैसे वह जीवन यापन करत। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज के थे जास उपयोग विकल पशु ऐसे अप्रजा मात पितु जिहाई कैसे। सुवंत महाराज ला बढ़िया सुंदर के थे मैं नहीं जा सका भैया घर ये काम करते हैं घर जा। सुमंत महाराज बहुत जिद्या है कि हे प्रभु ते जबले अयोध्यापुरी छोड़ के आए। अरे नर नारिल कौन का है चिरई चुरगुन मन तको वियोग में तड़पत है तो हे नाथ हमर संग में चलो। तो भगवान राम के थे सुमंत ते घर जा। अब मैं कहां जाता हूं तो कि थे बरबस राम सुमंत्र पठाए असुर सर तीर आप तब आए। भगवान रामचंद्र जी सुमंत महाराज ला विदा करीस और बढ़िया सुंदर गंगा नदी में स्नान करे बर चल दिस। अच्छा गंगा नदी सुर सर तीर आप तब आए। गंगा नदी में स्नान करबे तो का मिलते मन ला शांति मिलते ना। कतका झन के पाप ला धोवत आवत है हजार साल से लाखों साल से कतका झन के पाप ला वह भविष्य में धोई। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। ऐसे बात नहीं है
कि जे नहीं भवसागर ले मुक्त हो जाते देखरे पाप ला वो कम करते जियत जागत मन तक कई जनो उतलह रही थे जी तेनो सुधारे प्रयास गंगा मैया करते। उदाहरण दो साधु संत संत मल्ला कहां पावे त नदी ढोड़गी पावे तपस्या करत काबर संत के दर्शन हो जाए तो भगवंत के दर्शन होना तय है। ऐसे हमर टीकाकार व्याख्याकार मन बहुत सुग्गर ढंग ले बताते हैं। लेकिन हमर मन में का है जिन गांव में साधु संत आए तो हमन खिल्ली चुड़ाए भर भर जाते हैं। कई गांव देखे मिलते आजकल चिकारा बाबा कम हो गए दाई अभी भी चिकारा बाबा आते तो दाई मन कई झन देखते हूँ सकरी लगा देते हमर घर जन आती इसकी के। अब आजकल बाहर ले सकरी लगावे नुनी भीतरी लगावे खटखटावत रिथे गिथे पता नहीं कौन भगवान है संत के रूप में आके आप लोग दर्शन दे बर आवत है। तो जब भी कोई संत साधु घर में प्रवेश करे तो भोजन नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी बिल्कुल ओला पिलाना चाहिए। काबर संत के पास वो ज्ञान होते जिन्हें बुराई ल तक अच्छाई की ओर और अच्छाई ल बहुत सुंदर की ओर मोड़ देते। उसने एक गांव में छेरकचपुर ले लो एक गांव में बढ़िया सुंदर संत आए रही देखो कैसे होते संत बढ़िया सुंदर गंगा नदी में स्नान करत स्नान करत करत बढ़िया सुंदर का कहा थे हरि ओम ओम वासुदेवाय नमः हरि ओम ओम वासुदेवाय नमः हरि ओम ओम वासुदेवाय नमः। एक जन उतला ना आगे एक जन लड़का है चल तो मैं साधु महाराज की खिंचाई करूं। बेचारा संत नहाक निकली साधु नहाक निकली सोकर आगुम जोर से थूक दी ये ले जाते मोर का करवे मोर गांव में आते हैं एक बेर कहीं किक देख तोड़ कर झगड़ा मता हूं कि साधु बेचारा कुछ नहीं की अपन बढ़िया सुंदर कमंडल धरिस फिर नहाए बर चल जिस वो जे बेर नहाक निकला ते बेर थूक दे आगू में। इसने तय कलयुग है जहां कोनो धर्म प्रचार बर निकलते कई जन न कई जन बिल्कुल ओकर विपक्षी रहते तार न जी नौ दिन के काय नौ धर रामायण रखबे सातेल होवन ते सात की परबे तो पांच की ते पांच की बे तीन अब अच्छा हो गए एक दिन के कोनो नहीं सोचते नहीं तो राहन दो ना रामायण हो इसका होते बोलो राजा रामचंद्र की जय। जे बेर नहाक निकले ते बेर ओकर आगू थूक दवे वो नौ बेर नहा डरिस नौ बेर थूक दिस दसवां फेर नहाल चल दिस अब आके की थे बेटा नौ बेर नहाए हो बेटा मोर आगू थूक देस रे ले नौ नहा का आगे एक बेर आओ थूक देना की थे कैसे अल करहा साधु हस्ते हाँ नौ बेर नहाए हो नौ बेर नहाए एक बात तोर आगू थूके हाँ और दसवां ते नहा का आगे और फिर थूक की थे हमर तो थूक लूरा के कतेक ले थूक बो लेकिन ते अलकरहा बानी हस गा मोर समझ नहीं आता ते मोला बिल्कुल ज्ञान दे के थे तब साधु संत बहुत सुंदर बात बोली बेटा मनुष्य लाखों रुपया हजारों रुपया खर्चा करते तो एक जीवन में एक बेर गंगा नदी में स्नान करे नहीं मिले ते नौ बेर थूके हस तोर नाम से मैं नौ बेर गंगा नदी में स्नान कर रहे हूं बेटा मोर जीवन हा धन्य हो गए। ओकर बात ल सुनिस ते जेनु तलह रहे ते बढ़िया सुख घर से ओकर आंखी खुल गए ज्ञान के पिटारा खुल गए साधु के चरण में गिर गए क्षमा याचना कर ली साधु का मिल गए त चेला मिल गए। ऐसे होते साधु हा प्रेम से बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय। तो वही गंगा नदी में बढ़िया सुंदर भगवान राम माता जानकी और छोटे भाई लखन लाल बढ़िया सुंदर अपन साथ में लेके चले थे प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।